मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपका ये चैप्टर सात चल रहा है, यहाँ पर जो घटाना सीखे। तो इसमें हमारा कल हमने क्या था, अभ्यास दस शुरू किया था और आज हम इसमें कल हमने एक से लेके चार तक किए थे क्वेश्चन, आज हम पाँच से लेके आठ तक करेंगे और देखिए कैसे करना है। प्रश्न पाँच क्या है, एक गांव की जनसंख्या 956 है, उनमें स्त्रियों की संख्या 318 है, तो गांव में पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। आपको गांव की जनसंख्या बता दी, स्त्रियों की संख्या बता दी, तो पुरुषों की संख्या का क्या करना है। तो देखिए प्रश्न पांच है ये आपका, इसमें क्या करना है, गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या कितनी है, 956। फिर इसमें स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या कितनी है, 318। अब आपसे पूछा जा रहा है तो गांव में पुरुषों की संख्या क्या होगी, क्या करेंगे, पुरुषों की संख्या क्या होगी, कुल जो जनसंख्या है उसमें से स्त्रियों की संख्या को घटा देंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए छह में से आठ नहीं जाते, तो छह इससे हासिल लेगा, ये पांच है तो क्या हो जाएगा चार, और ये क्या हो जाएगा सोलह, सोलह में से आठ घटाए तो आठ बचे, चार में से एक घटाया तो तीन बचे, नौ में से तीन घटाया तो छह बचे, यानी पुरुषों की संख्या कितनी हुई, 638 हुई। कुल जनसंख्या में से स्त्रियों की संख्या को घटाया तो उससे क्या आ गया, पुरुषों की संख्या आ गई। फिर प्रश्न छह, प्रश्न छह में क्या करना है, मनीष के पास 637 गिलास थे, उसने 368 गिलास बेच दिए, अब उसके पास कितने गिलास शेष बचे। तो मनीष के पास हैं कितने हैं, 637 गिलास, गिलास बेच दिए, गिलास बेच दिए, कितने बेच दिए, इनमें से 368 बेच दिए, 368 गिलास बेच दिए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने गिलास शेष बचे, तो गिलास शेष बचे क्या करना है, सात में से आठ नहीं घटेंगे तो सात क्या करेगा, इससे हासिल लेगा, ये तीन है तो दो हो जाएगा, और ये सत्रह, सत्रह में से आठ घटाए तो कितने बचे, नौ, दो में से छह नहीं घटाए जा सकते, दो इससे हासिल लेगा, ये हो जाएगा बारह, बारह में से छह घटाए छह, पांच में से तीन घटाए तो दो, यानी कितने गिलास बचे, 269 गिलास बचे। आप देखिए प्रश्न सात और आठ हैं आपके, ये आपको करने हैं, एक मिनट देखिए आपको मैं बताती हूँ कैसे करना होगा आपको। प्रश्न सात है, एक कहानी की पुस्तक में 196 प्रश्न हैं, प्रिया ने उस पुस्तक के 98 प्रश्न पढ़ लिए, कहानी पूरी करने के लिए उसे अभी कितने प्रश्न और पढ़ने हैं, ज्ञात करो। तो देखिए प्रश्न सात जो है क्या करना है, इसमें कुल प्रश्न हैं पुस्तक के 196
पढ़ लिए 98, कितने पढ़ लिए 98। अब आपसे पूछा जा रहा है कहानी पूरी करने के लिए उसे अभी कितने प्रश्न और पढ़ने हैं ज्ञात कीजिए। तो कितने प्रश्न बचे, तो आप क्या लिखेंगे, प्रश्न बचे, कितने बचे, तो उसके लिए घटाना होगा। क्या करना है, 6 में से 8 नहीं घटाए जा सकते, 6 इससे हाथ से लेगा, ये 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। 16 में से 8 घटाए तो 8 बचे, 8 में से 9 नहीं घटाए जा सकते तो ये 18 हो गया, 18 में से 9 घटाए तो क्या बचा, 9, यानी 98 प्रश्न शेष बचे। अब देखिए प्रश्न 8 क्या, एक फैक्ट्री में 585 कर्मचारी काम करते हैं, उनमें से 196 कर्मचारी वरिष्ठ हैं, फैक्ट्री में कितने कनिष्ठ कर्मचारी काम करते हैं, कर्मचारी कितने हैं, प्रश्न 8 है आपका। कुल कर्मचारी हैं, कुल कर्मचारी हैं कितने हैं, 585। इसमें से 196 कर्मचारी वरिष्ठ, तो वरिष्ठ कर्मचारी कितने हैं, वरिष्ठ कर्मचारी हैं कितने हैं, वरिष्ठ कर्मचारी 196। तो आपको क्या निकालना है, इसमें कनिष्ठ कर्मचारी कितने हैं, फिर आपको ये बताना है, कनिष्ठ कर्मचारी हैं। तो देखिए कुल कर्मचारी बता दिए 585, इसमें से वरिष्ठ कर्मचारी 196, तो एक 585 में से 196 को जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कनिष्ठ कर्मचारी। अब देखिए 5 में से 6 नहीं घटाया जा सकता, 5 इससे हाथ से लेगा, 8 है तो ये 7 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, 15 में से 6 घटाए 9, 7 में से 9 नहीं घटाए जा सकते, 7 इससे हाथ से लेगा, 5 है तो ये 4 और ये 17, 17 में से 9 घटाए तो कितने बचे, 8, फिर 4, 4 में से 1 घटाया तो 3, यानी 379 कनिष्ठ कर्मचारी हैं। तो इस तरह से आपका ये अभ्यास 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है रिपीट CW, आपको ये जो वर्क है CW एन नोटबुक, आपको ये नोटबुक में वर्क करना है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको ये वर्क करना है और आप अपना वर्क अपनी नोटबुक में प्रॉपर कीजिए, और आपको मंडे को आपकी कॉपीज का टर्न होता है तो आप मंडे को अपनी कॉपीज चेक कराने स्कूल आइए। ओके, थैंक यू।